देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोतल को हिलाया नहीं है मैंने, है ना, ये बोतल हिला हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप इसको देखिए, ये मसाला ऐसे ही नीचे इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आप स्ट्रांगनेस देखिए, इसके अंदर इन्होंने नींबू, आप इसका स्ट्रांगनेस देखिए, इसे कहते हैं क्वालिटी। ये क्वालिटी उसमें से निकलती थी मशीन में से, मशीन में से मतलब भाई इतना सब पावर तो नहीं आता था, आता था लेकिन इतना सब नहीं आया, ऊपर झाग आवे लेकिन वो उड़ता जो है बिल्कुल, ये नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमा अशर, मैं रियल बेवरेज छोटा मशीन कंपनी का, और सब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हमारे कस्टमर का रिव्यू लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। हमारे सिद्दीक भाई हैं, इनका मैं रिव्यू लेकर के आया हूँ। इन्होंने बहुत ही छोटी जगह में माशाल्लाह बहुत ही बड़ी फैक्ट्री लगाई है, तो अगर आप भी सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीदना चाहते हो तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको काम आएगी, ठीक है। तो हमारे सिद्दीक भाई, इनसे हम जानेंगे मशीन उन्होंने हमारे पास से लिया, कितना टाइम हुआ मशीन लिए, इनसे पहले एक और कंपनी से मशीन लिया था और उसमें क्या उनको परेशानी आई, और हमारे साथ जुड़े तो उसके बाद उनको क्या फ़ायदे हुए, सारी कुछ इंशाल्लाह बातें जानेंगे, तो उस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास से मशीन लिया तो उसको कितना टाइम हुआ सर? करीबन 5 महीने जैसे हो गए। 5 महीने हो गए मशीन ली सर? 5 महीने हो गए मशीन लेने के आपके लिए हुए, तो आप मशीन हमारे पास रूबरू वहाँ लेने के लिए आए थे या मशीन आपने ऑनलाइन बुक किया था? नहीं, वो अपने यूट्यूब के ऊपर देखा था, उसके बाद फिर वहाँ पे आए थे। अच्छा, वहाँ पर रूबरू आए थे आप मशीन लेने के लिए, तो मशीन आपने जब लिया हमारे पास से तो हमने आपको कहा होगा कि भाई सर हम आपको सर्विस देंगे अच्छी, या हमारी क्वालिटी अच्छी आएगी मशीन की, ये सब बातें हमने की होगी जो एक बेसिकली बिजनेसमैन करता है, हमने की थी, तो ये सारी बातें पूरी निकली ना? पूरी है, पूरी है, बराबर परफेक्ट है। अभी दूसरा मशीन हमने जो लिया था उसके अंदर उतना पावर और वो नहीं आती थी। अच्छा, लेकिन फिर आपका मशीन लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई अभी तकलीफ नहीं आती है। कितनी प्रोडक्ट बनाते हो आप? करीबन 6-7 जैसे प्रोडक्ट। 6-7 प्रोडक्ट बनाते हो? क्या नाम है सर आपकी कंपनी का? एशियन सोडा और सगुन सोडा। एशियन और सगुन, बता सकते हो सर हमारे व्यूअर्स को? हाँ बताऊँ। आइए आइए आइए, ये देखो ये कस्टमर ने या प्रोडक्शन यहाँ पर रेडी रखा हुआ है। ये यहाँ पर कौन से फ्लेवर पड़े हुए? ये जीरा है, ऑरेंज है, अपने बियर सोडा है, लीची है, प्लेन सोडा है, ये प्लेन सोडा है। अच्छा, ये इतना सारा प्रोडक्ट आपने बनाया? लिम्का सोडा है। हाँ, ये सब उसी के अंदर से बनाया। अच्छा, क्या बात है, यही हमारे प्रोडक्ट, अपनी वाली जो रियल वाली मशीन उसमें से बनाया आपने, क्या बात है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये सारा सेल हो जाता है सर? अभी तो बारिश चालू है बाहर इतना सारा। हाँ, हो जाता है, मतलब दिन का 50-60 पेटी जैसा, बारिश की वजह से 50-60 पेटी चला रहा है। अच्छा, और बारिश नहीं था जब, क्या हुआ था तब? तो 100-150-200 जैसी। अच्छा, इतनी निकल जाती थी माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और आप पेंडिंग में रहता था? अच्छा, यानी आपके पास ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहते थे। आपका एक स्पेशल फ्लेवर है, देखो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ आपको मशीन दे सकते हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, हम दौड़ करके आपको छोड़ने नहीं आ सकते, ठीक है। ये सर ने जो इन्होंने खुद ने एक मेहनत करके इनका खुद का एक फ्लेवर डेवलप किया है, आप यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगा, सर ने मुझे चखाया, मैंने 2 बोतल और इनके पास से पी ली, इतना अच्छा मुझे फ्लेवर लगा कि इन्होंने मेहनत की, ठीक है। तो मेहनत करना आपके हाथ में है, मशीन ले लेना बड़ी बात नहीं है, मशीन का चलना बड़ी बात है, तो मशीन चल रहा है, मशीन चलने के साथ साथ आपकी मेहनत होना जरूरी है। ये सर का फ्लेवर है, ये कौन सा फ्लेवर है सर आपका? सर ये लींबू फ्लेवर है। लींबू फ्लेवर है, क्या बात है माशाल्लाह। एशियन लींबू, एशियन लींबू, इसको निकालो सर बोतल को। हाँ निकालो। ये अब देखिए, ये पूरा मसालेदार हो गया, ये नींबू एशियन नींबू के नाम से। इसका प्रोडक्ट कैसा है, इसका डिमांड कैसा रहता है सर? सर इसका डिमांड तो मतलब बारिश के अंदर में भी चलता रहता है और अच्छा। गर्मी में तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। और ये जो फ्लेवर है ना, ये मतलब मैं मांगते हैं लेकिन ये बना नहीं पाते, इसका इतना ये रहता है। अच्छा, तो ये बन जाती है सर, प्रोडक्ट तैयार हो जाती है? हाँ हो जाती है। मशीन आपको मशीन में से कोई तकलीफ जैसी नहीं आती है, मतलब आदमी को खड़ा कर दिया, बता दिया, हो गया, तो वो कर लेता है, चल जाता है। और कितना भी निकालो मशीन में से, मतलब मशीन थकता नहीं है कहने के बाद। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको डिलीवरी किस में करने जाते हो? ये वान रखी है। दो गाड़ी आपके पास है, आपने जो मुझे बताई, कितनी? दो है ना? दो है माशाल्लाह। नवसारी, यहाँ से मतलब नवसारी हैगा जो आउट ऑफ सिटी है, वहाँ तक माल जाता है। अच्छा, क्या बात है माशाल्लाह। आइए मशीन दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। इन्होंने एक और कंपनी का मशीन लिया था, हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा इनसे जानेंगे हम कि इनको हमारे साथ जुड़ करके कैसा लगा। आइए सर, आपने मशीन लिया सर कंपनी के फॉल्ट से कि भाई आज खराब हो गई है मशीन, ऐसा कितनी मरतबा हुआ? ऐसा तो खराब हुई नहीं है मशीन अभी तक। पक्का हुई नहीं है? एक भी बार खराब नहीं हुई मशीन? नहीं, खराब नहीं हुआ, जरा ये बटन में दिक्कत आ रही थी, वो भी हो गया है मतलब। अच्छा, वो फौरन हो गया?
यानी कोई मेजर प्रॉब्लम था उसके अंदर? नहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, हमको इतनी जरूरत भी नहीं थी उसकी, और हमने इतना कुछ बोला भी नहीं था कंपनी में कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा कुछ हुआ होगा आपने कंपनी में कॉल किया और लोग आपका फोन रिसीव ना करके, ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो रिप्लाई बिल्कुल। अब जो है सच बताओ। नहीं जो है वही बता रहा हूँ मैं, बाकी कुछ इतना अपने दिल से नहीं, ये इसमें फोल्ड था और इसमें फोल्ड था तो वो हो ही गया। मतलब मैं इतने की जरूरत भी नहीं रहती थी, हमको सिर्फ सोडा की जरूरत पड़ती थी। यानी तकलीफ नहीं थी आपके मशीन बंद नहीं हुआ? नहीं कभी। आपने जो हम इसी में भी मतलब मैं परफेक्ट ही है, इसके मुकाबले तो बहुत अच्छा ही है। यानी ये आपने मशीन जो लिया था उसकी वजह क्या हुई सर? आपने हमारी कंपनी तब भी देखी होगी जब आए थे आप मशीन लेने हमारे पास, तो ये वाले मशीन से पहले है ना हम लोग आपका ही लेने वाले थे, लेकिन बजट से थोड़ा हाई था तो हम दूसरी कंपनी में लिया, तो वो साल भर में ही मतलब मैं उसका रिजल्ट मिल गया। अच्छा, यानी पूरा खत्म ही हो गया मशीन? काम नहीं आती वो? नहीं वो काम नहीं आती, यानी टोटल वेस्ट ऑफ मनी पक्का। देखो अच्छा, आपका चल जाने की वजह क्या हुई? जैसे सीधी बात, अगर कोई ये नया बंदा मशीन लेता तो उनका बिजनेस भी ना चलता, उनकी कंपनी डेट हो जाती। आपका चलने की वजह क्या, आपका पुराना काम है इसकी वजह हुई? क्योंकि आप तो कांच की बोतल से काम कर रहे हो, तो आपका बहुत पुराना काम है इसलिए आप मार्केट में टिक पाए। हाँ, अगर यही मशीन कोई बाजार से कोई नया बंदा खरीदता तो वो नहीं, दूसरी मशीन के लिए वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो ले ही नहीं पाता, सोच भी नहीं सकता था सोच, वो वहाँ ही धंधा बंद करके ताला मार के घर चला जाता वो। अच्छा, अगर आपके हिसाब से मशीन अगर लेनी है तो कहाँ से लेनी चाहिए? रियल बेवरेज से ही लेनी चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स को आप बताइए, रियल बेवरेज से ही लेनी चाहिए। आपको बताऊँ, ये मशीन भी देखो मैंने ली है, आप चाहे तो कैमरे में बता सकते हैं लिए, लेकिन डिलीवरी भी मतलब मैं हो गई यूँ समझो। बाकी तो हम कोई फॉल्ट भी बतावे तो पहले तो फ़ोन नहीं उठावे, सबसे पहला कंपनी का यही रहता है, हम भी यही डड़ से है ना, पहले लेते नहीं थे मशीन। अच्छा। हाँ कि भाई अभी ले लेंगे, क्या लोचा लपाचा होगा ये पूरा, मतलब मैं वायरिंग वाला काम और ये वो, हम क्या देसी मशीन में सोडा भरते थे, इतना सब नॉलेज नहीं था जी। फिर भी हिम्मत करके हमने ये वाले ही लेने वाले थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि बजट से थोड़ा हाई था तो हम दूसरी कंपनी में गए। ये मशीन कितने की ली थी आपने? ये 1.5 लाख समथिंग की। तो हमारी कंपनी की तो वो ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं था, मगर आपको फ़र्क दिखा? हाँ, वो क्योंकि हम पहले से स्टार्टिंग से सब चालू करना था, जैसा कि बोतलें भी लेनी थी, स्टिकर भी लेने, तो वो बजट इतना हाई नहीं था बिल्कुल। हाँ, तो आपने ले ली मशीन यहाँ से? हाँ, ले मशीन। डिलीवरी भी टाइम पर नहीं हुई थी? डिलीवरी भी टाइम पर नहीं, हम गए थे डिलीवरी और ये सब टाइम पर हुआ। अच्छा। लेकिन जब प्रॉब्लम आने लग गई ना तो हम कॉल करके बताए प्रॉब्लम हुई, तो वो बोले कि भाई सर्किट बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो, सब करके देखा, लेकिन उस बात भी बदलते गए, मतलब महीने के अंदर 2 सर्किटें बदलनी पड़ती। अच्छा। हाँ, और फिर प्रॉब्लम बतावे तो प्रॉब्लम के अंदर में भी मतलब मैं फ़ोन पे बता देवे कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब करे थोड़े टाइम अच्छा चले, फिर पीछे वैसा ही हो जावे। अच्छा। एक्यूरेसी भी परफेक्ट नहीं आवे, बार बार बदलना पड़े। थोड़ी कड़ी सब चीज़ें बदली हुई है इसके अंदर भी, सर्किट बदली है, ये बदला है। अच्छा। हाँ, और पीछे की भी एक सर्किट आती है वो भी बदली है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी चेंज किया हुआ। हाँ, फिर भी साल भर भी नहीं चला और चेंज। अच्छा। हाँ। और ये 5 महीने मशीन को हुए, कितनी मरतबा रिपेयर करना पड़ा? एक भी मरतबा? पक्का? सच बोल रहे हो? सच। अच्छा, एक बात और बताओ, मैंने आपको वीडियो से पहले एक भी बात कही नहीं? कुछ नहीं है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, इतना सारा आपने खातिरदारी की हमारी, मगर मैंने आपको इतना बातें करते करते भी कुछ भी बोला कि सर आप ऐसा बोलना वीडियो में? नहीं, कुछ नहीं, जो है वो मैं वही बोला हूँ कि भाई मशीन मतलब मैं बढ़िया ही है, दूसरी कंपनी करते तो बढ़िया ही मशीन है, बस ऐसा ही बोलूंगा मैं। क्या हम आप लेकर के हमसे मशीन खुश हो, हमसे जुड़ करके? हाँ, बहुत, अरे बहुत खुश हुआ है बहुत। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आपने खातिरदारी की। मेरा जो है ना पूरा मतलब ये मशीन जब बिगड़ा ना उस बाद मेरा भी मूड यही हुआ कि यार अब बंद कर दूँ धंधा, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन फिर पीछे थोड़ी बहुत हिम्मत हुई, चलो एक रिक्स और खेल देते हैं, तो फिर ले लिया है। ये बिल्कुल आप जो देख रहे हो ना बिल्कुल नेचुरल वीडियो है, कोई सिखाई हुई बातें या कुछ भी ऐसा नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं वल्लाह। अभी यूँ समझो कि बहुत पुराने हैं हमारे बाप दादा जो है इस लाइन में, तो कैसे क्या करना है ना वो पता है, तो वो हिसाब से मतलब मैं चला लिया। मैं नींबू सोडा का स्ट्रांगनेस बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं आप इनकी स्ट्रांगनेस देखिए, ये बहुत ही अच्छी मतलब डेवलप कर रहे हैं। ये सोडा जो है ना ये बनाते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं, मशीन तो अपना वर्क करेगी करेगी। देखो ये मशीन वर्क करती थी ना नहीं, मगर इन्होंने मार जोड़ के चलाया, मगर नहीं चला, एक्यूरेसी नहीं थी तो नहीं चल पाया। ठीक है, अब देखो ये
अच्छा इसको क्या होगा, ये थोड़ा पुराना होगा तो ज्यादा टेस्टी होगा। ये बोतल को हिलाया नहीं है मैंने, है ना, ये बोतल हिला हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इसको देखिए, ये मसाला ऐसे ही नीचे इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आप स्ट्रांगनेस देखिए, इसके अंदर इन्होंने नींबू सोडा जो बनाया, आप इसका स्ट्रांगनेस देखिए। इसे कहते हैं क्वालिटी, ये क्वालिटी उसमें से निकलती थी मशीन में से। मशीन में से मतलब भाई इतना सब पावर तो नहीं आता था, आता था लेकिन इतना सब नहीं आ, ऊपर झाग आवे लेकिन वो उड़ता जो है बिल्कुल, हाँ ये नहीं होता था। नहीं तो आप मशीन की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो, इसमें सोडा वगैरह अच्छा बनता है? हाँ, अच्छा बनता है, एक्यूरेसी भी अच्छा है। हाँ एक्यूरेसी भी बढ़िया है। सिरप कभी कम ज्यादा होने का प्रॉब्लम कुछ आया? सिरप कम ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो बटन दबाते तो कुछ सेकंड जो होता है वो होल्ड, हाँ एक माइक्रो सेकंड का होल्ड लेता है वो। इंशाल्लाह मैं अभी कर देता हूँ आपको होल्ड, इंशाल्लाह चला जाएगा वो, ठीक है ठीक। क्योंकि वो तो अंदर से सिस्टमेटिक, क्योंकि अच्छा जो हम लोग सॉफ्टवेयर की बातें करते हैं कि मशीन हमारी सॉफ्टवेयर बेच पर है, ये सॉफ्टवेयर बेच पर है? हाँ है, ऐसा लगता है क्योंकि एक बार जो सेट कर दिया फिर उसको पूरा दिन चलाओ। हम लोगों क्या करते, दोपहर को खाने जाते, मतलब सुबह में आए मशीन चालू किया और सेट कर दिया और कारीगर को छोड़ के हम मार्केट चले जाते हैं। अच्छा। और वो भर लेता है उसके टाइम पर, फिर वो खाने भी चला जाता है, खा कर आता है फिर भी वो भरने लगता है, तो वो एक बार जो सेट कर दिया तो वो पूरा दिन चलता ही रहता है, तकलीफ नहीं होती। नहीं अच्छा, और देखो उसके दूसरे दिन भी हम बंद करके अभी कभी कभार भूल जाते हैं हम लोगों, क्योंकि जल्दी में होते हैं ऑर्डर ये सब लेने करने का होता है तो भूल जाते हैं, लेकिन वो कारीगर तो कारीगर जैसा काम करता है भरता हो जाता है, लेकिन फिर आके उसको फ़ोन करके बोलते या फिर आके टेस्ट करते तो एक्यूरेसी भी बराबर ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि बिगड़ गया पूरा, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखो एक ये जो है ना, मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ ना, इस बात को नोटिस कीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग फुल्ली स्टेनलेस स्टील 304 इस्तेमाल करते हैं और एक 202 होता है और एक सॉफ्टवेयर मशीन होती है, एक टाइमर होती है। मैं इसका कंपनी का इंशाल्लाह नाम ब्लर कर दूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये हमारा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है सर, वो आपको देखना, हर कोई बेचने बैठे। देखो ये जो है ना, कंपनी का नाम भी बोलो आप। नहीं सर अच्छी बात नहीं, देखो ये ट्राइमर है, ये दोनों ट्राइमर लगे हुए इस पर, ठीक है, ये ट्राइमर लगे हुए हैं। ट्राइमर में इसमें क्या होता था सर ये प्रॉब्लम? इसमें अपने 2-3 बोतलें भरी, उसके बाद फिर समझो इतनी बोतल अपने को भरनी है जी, और यहाँ तक कि अपने सेट कर दिया मशीन में और 2-4 बोतल भराएगी, फिर वो अंदर का एक पंप होता है वो सोडा जो ऊपर खींचता है पानी, वो चालू होगा ना तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा हाँ, यानी कभी ज्यादा कभी हाँ, कभी ज्यादा। अच्छा, फिर उसको सेट करने का, फिर पीछे सेट करना पड़े। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम आती थी आपको? कभी कभार ज्यादा हो जाए, कभी कभार कम हो जाए। अच्छा, कितनी बोतल का प्रोडक्शन आप अभी ये मशीन में से करते हो? ये तो हम तो गिनते नहीं है, बस चलता रहता है, चलता है। देखो आपको इसका छोटा सा लॉजिक बता, हम लोग इसको चार से कम मतलब एक दिन के अंदर हम 100 पेटी इसके ऊपर से निकाल देते। 2500 बोतल हुई कम से कम दरजे में, 2400 बोतल अगर 24, ठीक है 100 पेटी हम लोग 4000 से करे तो, हाँ आसपास करे तो ज्यादा भी। अच्छा, हम लोग 4000 बोतल का प्रोडक्शन बोलते निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा, तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं नहीं, देखो आपको बहुत छोटी सी बात है, 4000 बोतल का प्रोडक्शन हम बोलते हैं, अगर मशीन में से 4000 बोतल निकालनी है, आप 4000 बोतल में से कितना बोतल टेस्ट करोगे? सीधी सी बात है 2-3-4 सब थोड़ी टेस्ट करोगे आप। अब वो कभी सिरप ज्यादा आ गया, कभी कम आ गया, तो बोतलों का टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाएगा तो कस्टमर आपके पास रिपीट नहीं आएगा। सही सही बोल तो, अगर जरा भी मतलब कुछ ML अगर अपन ने 50 ML सेट किया है या फिर 40 ML सेट किया है, थोड़ा 5-10 का फर्क हो जाएगा तो सोडा फीकी लगने लगेगी। हाँ मीठी लगने लगेगी, ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें हम लोग जो बार बार मैं कैमरे के सामने, आपने देखे थे वीडियो हमारे, मैं चिल्ला कर बोलता हूँ कि यार सॉफ्टवेयर सिस्टम है और आप देखो स्टेनलेस स्टील 304। बात मेरे को भी पहले ऐसी लगती थी जब मशीन नहीं लिया था ना, उस पहले ऐसी लगती थी कि यार ये सॉफ्टवेयर ने टाइमिंग एक ही होएगा, ले लेते अपने वो हिसाब से ये लिया था। अच्छा। मैं फिर लेके फिर जब मतलब मैं इंसान जब लेने के बाद होता है उसके बाद मालूम पड़ता है कि नहीं क्या है क्या नहीं। ये चीज आप कैमरे के सामने देख करके बता दो, पर क्या हुआ था आपको, ऐसा ही लगता था, क्या लगता था आपको? मतलब मैं यही लगता था कि सॉफ्टवेयर और टाइमिंग दोनों सेम ही है टाइमर वाली, लेकिन जब लेने के बाद पता चलता है कि भाई सही है, अलग अलग है दोनों में, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और टाइमर टाइमर है। हाँ नहीं, अपनी अपनी जगह पर दोनों। और सक्सेस क्या है इसके अंदर आपके हिसाब से, सॉफ्टवेयर या टाइमर, बॉटलिंग प्लांट में सक्सेस क्या चीज है? नहीं, बॉटलिंग प्लांट में अगर अपने को एक्यूरेसी पूरा लेवल एक सरखा हो तो फिर सॉफ्टवेयर ही चले। अच्छा, सॉफ्टवेयर ही लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए, क्योंकि टाइमर के अंदर अब मालूम पड़ गया कि वो ऊपर नीचे होने ही वाला है। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने जो बोला था आपको कि 100% हमारी मशीन जो है 304 स्टेनलेस स्टील है, तो आपको ऐसा कहीं लगा कि जंग लग गई, खराब लाल हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मैंने आपको ये बताया वेल्डिंग के डॉट पर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हुआ है, उसकी वजह मैंने आपको बताई।
हाँ वजह बताया कि ये इधर साइड जो है जो सांधे लगते ना वहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है उसकी वजह से वो होता है और उसको भी सफाई करोगे तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बाकी आपने जो दूसरी कंपनी की मशीन ली है उसका हाल क्या है? उसका तो हाल बेहाल है उसका। पूरा सड़ गया है वो, मतलब पूरी जगह लाल लाल हो गया है। हाँ, लाल लाल हो गया है मतलब पूरा सड़ भी गया है इधर से आप मतलब नहीं बता सकते। अच्छी बात नहीं है इसके लिए। नहीं उसको ब्लर कर दो लेकिन हाँ खराब हुआ तो बता दो। बिल्कुल देखो ये ना ये पूरा खराब हो गया पूरा पूरा ये देखो ये चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात को नोटिस कीजिए प्लीज़। मैं कस्टमर को रिक्वेस्ट करता हूँ, हर कोई कंपनी जो है ना मशीन बेचने ही बैठी है, हर कोई बंदा अपनी चीज़ बेचने ही बैठा है। मैं कहूँगा वो तो होशियार है, उसने आपको बेच दी, आपने ले ली, गलती आपकी है सर। सही बोल रहा हूँ तो एक बार गलती का हाँ यानी तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जाओ चार जगह पर मशीन देखो, मशीन का चलना जरूरी है, मशीन ले लेना जरूरी नहीं। हमको अभी मैं कहीं गांधीनगर में था, एक कस्टमर ने मुझे कहा सर मशीन हमें थोड़ी सेल करनी है, हमें तो मशीन सेल थोड़ी करनी है, हमें प्रोडक्ट सेल करनी है, प्रोडक्ट अच्छी निकलनी चाहिए, मशीन दिखने में भले अच्छी ना हो एक बात है, भले स्टीकर भले अच्छा ना हो एक बात है। तो आप भी इस चीज़ को मानते हो? हाँ मानता हूँ, मशीन भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मशीन मार्केट में जाएगा, मार्केट के अंदर हम लोग को घूमते हमको पता है कैसे कैसे मिलते भाई, अमुक अमुक ऐसे होते भाई तेरी बोतल बड़ी है उसकी बोतल छोटी है, तेरी बोतल नहीं लेना है उसकी बोतल ये उसकी बोतल। मैं बोलता हूँ भाई अंदर का माल भी देख उस कैसा माल है। बाकी ऑल ओवर बात ये है कि आप ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिजनेस तो करना चाहिए, अच्छा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस, प्रॉफिट मिल जाएगा आदमी को, प्रॉफिट मिल। और आपके हिसाब से अगर मशीन लेनी है किसी को तो आप क्या एडवाइस दोगे? अगर आपको कोई आपके रिलेशन वाले पूछते हैं भाई चलो आनंद से किसी का फोन आ गया आपको, अभी तक मैं मेरे को जितने भी है मैंने उनको यही किया कि भाई एक मशीन लेके फंस गया हूँ, लेनी है तो यहाँ से लो। अच्छा क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह चलो बहुत ही अच्छे। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया मगर कुछ ना कुछ आपके काम की बातें होगी, हमारे वीडियो आते हैं आपको हो सकता है लंबे हो और आपको ऐसा हो गया यार बहुत लंबी लंबी बातें, मगर आपके काम की बात निकलेगी, आप वीडियो को पूरा देखा करें आपको अच्छा लगेगा। ठीक है आप देख सकते हो ये हमारे कस्टमर का पूरा मैंने आपको रिव्यू बताया, पूरा काम बताया इनका। ठीक है आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर आप मशीन खरीदना चाहते हो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल ब्यूरेज, थैंक यू।